बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नाजरीन, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पंजाब और समाजी कारकुन मिस मुसरत जमशेद चीमा ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का विजिट किया है। आइए उनसे उनके तासुरात जानते हैं। मैम, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से वुमेन के तहफ़ के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप की सूरत में एक एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया गया है। क्या समझती हैं, इस ऐप के बाद ख़वातीन खुद को कितना महफूज तसव्वुर कर सकती हैं? मैं ये कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है और सिर्फ एक दो इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे इमेज को इतना ख़राब करके रख देते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर ये गौर कर रही हूँ कि हम इसको स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको कंपलसरी कर दें कि ये तमाम बच्चियों को ये हम हर सूरत में उनको एजुकेट करें कि ये सबके मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, मैं ऑन बोर्ड लेके फवाद चौधरी साहब को और पंजाब की, तो हम इसको पब्लिक सर्विस मैसेज और हम तमाम चैनल्स को ये रिक्वेस्ट भेजें कि जब इंट्रो में आप इतने डिस्ट्रक्टिव किस्म के मैसेजेस देते हैं तो साथ एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी बताएं। कम से कम फीमेल एंकर्स को चाहिए कि इसको वो प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह मैं अपने अकाउंट से भी और मैं इसके ऊपर वीलॉग भी करूँगी और फिर मैं जिस भी, चूँकि मैं मीडिया पर जाती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह मैंने आज विज़िट करके इट वॉज़ इम्प्रेसिव माशाल्लाह से जितने इतने लिमिटेड नंबर ऑफ कैमरास के साथ जिस तरह हमारा सेफ सिटी एक स्मार्ट तरीके से न सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी प्लस इसमें जो एक इनोवेशन है जिसको हमारी गवर्नमेंट ज़रूर यूटिलाइज करेगी, प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब है गुड गवर्नेंस, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस लेवल तक कामयाब नहीं हुए। और अगर हम अपने ये जो सेफ सिटी है इसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दें, अपने तमाम बड़े शहरों से हम ये शुरू करें और लाहौर से, तो इसमें एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी और जो सर्विस है और जैसे जो छोटे छोटे सिविक सर्विसेज हैं वो इतनी इम्प्रूव हो सकती हैं और हम बड़े शहरों का मुकाबला कर सकते हैं। तो जितनी एफिशिएंसी हमारे ये जो सेफ सिटी की जितनी भी इंतज़ामिया है मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। और ये खराज तहसीन इसलिए इनका बनता है कि इतने नामसायद हालात और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस क्वालिटी की सर्विसेज देना मैं कहती हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को टेकअप करेंगे और स्पेशली जो सेफ सिटी जो सेफ्टी वाली जो विमेन की जो एप्लीकेशन है इसको तो मैं कहती हूँ कि इट शुड बी पार्ट ऑफ आर सिलेबस बच्चियों के। तो इंशाल्लाह हम जब अपने बच्चे बच्चियों को एजुकेट करेंगे और अपने इदारों को हम मज़ीद एम्पावर करेंगे तो हम वो जो हमारा ख्वाब है कि सेफ्टी भी हो, लोगों को प्रोटेक्शन भी फील हो और स्पेशली हमारी बच्चियां जब घरों से बाहर निकलें तो उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सिक्योर है। और वो इस एप्लीकेशन के साथ तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आता है। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे भी, इसकी अवेयरनेस की अब ज़रूरत है जो मेरा मानना है। इसमें तमाम चैनल्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आई विल रिक्वेस्ट कि एक हम जो हमारे जितने भी हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे जो फरूख हबीब साहब, जो उनको, फवाद चौधरी साहब को, मैं भी आ जाऊंगी, हसन खावर, और हम मीडिया के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बुलाएं और उनको ब्रीफ करेंगे, उनको भी ये पता होना चाहिए। ये मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि मैं वक्तन फवक्तन ये, क्योंकि जब इतना अच्छा हमारा एक इदारा काम कर रहा है तो इसको हाईलाइट करने की और लोगों को एजुकेट करने की कि ये सर्विसेज हैं जो आवाम अवेल करें तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। मैम, ऑन द फ्लोर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली बाकी खवातीन मेंबर्स में किस तरह से वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से आगाही पैदा करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी जो मैंने सोचा है मैं एक रेजोल्यूशन मूव करूंगी खराज तहसीन पेश करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, और उसमें स्पीकर साहब की हेल्प से उसको फ्लोर पे लेके भी आऊंगी। और उसमें फिर ये है कि ना सिर्फ तमाम ओपोजिशन एंड अपनी पार्टी की जो हमारी फीमेल कोलीग्स हैं, प्लस हम उसको फिर मीडिया में भी हाईलाइट करेंगे ताकि उस रेजोल्यूशन के तहत जब टिकर्स चलेंगे, खबर चलेगी, तो मैसेज को इसका पता चलेगा। शहर लाहौर को कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है, क्या समझती हैं कि आज का लाहौर पहले की लाहौर से कितना ज़्यादा महफूज है?
देखें बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आई है, इवन ट्रैफिक के आप हादसात को देख लो, आप जो क्राइम रेशो हमारी कम हुई है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इसको तो हमें डबल नंबर कर देना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर तो ये जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं।